हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेबर चैप्टर को फिनिश कर दिया था और आप लोगों से कहा था कि लास्ट 5 to 7 इयर्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने किया होगा। अभी इस क्लास के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। और आप लोगों ने अगर हमारे लेबर वाले चैप्टर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उससे एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा। आज जो हमारा चैप्टर हमारे सामने है, इस चैप्टर का नाम है ओवरहेड। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसे और बहुत इजी चैप्टर भी है। इस चैप्टर का दो हिस्सा है। एक हिस्सा में हम लोग ओवरहेड के कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया? ओवरहेड के कॉस्ट को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, बांटते हैं हम लोग, एलोकेट करते हैं। और दूसरे हिस्से में हम लोग यहां पे मशीन आर रेट या लेबर आर रेट निकालने का कोशिश करते हैं। समझ गए? तो आप लोगों को ये बेसिकली समझ में आ गया कि दो हिस्सों में हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो पहला हिस्सा आज हम लोग करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड के नाम से पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ओवरहेड हम लोग किसे कहते हैं। ओवरहेड वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो डायरेक्टली चार्ज नहीं हो सकता है प्रोडक्ट के ऊपर। खर्च जो होता है, खर्च के नेचर के हिसाब से अगर हम लोग एलिमेंट के हिसाब से बांटने जाएं तो एक मटेरियल कॉस्ट होता है जो क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट। एक लेबर कॉस्ट होता है जो कि क्या होता है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट लेबर भी होता है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारा ओवरहेड में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली चार्जेबल होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है। वेयर एज जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है। बाबू वो लाइट ऑन कर दीजिए, ठीक है? हाँ वो लाइट, वेरी गुड। अब थोड़ा सा गोरा आ रहे होंगे। चलो देखो, तो अब जो है हम लोग ओवरहेड का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो ओवरहेड में हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड का मतलब ही है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मटेरियल से रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया, मटेरियल का किया ना भाई हम लोगों ने चैप्टर, जिसमें मटेरियल का डिफरेंट लेवल्स हम लोगों ने निकाला, स्टोर लेजर किया। डायरेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट लेबर के लिए भी हम लोगों ने चैप्टर किया ना। अभी अभी जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया वो डायरेक्ट लेबर का था। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो उसके लिए हम लोग ओवरहेड अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जी हां, ओवरहेड अकाउंटिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकता है। मतलब जितना प्रोडक्ट उतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब उतना ओवरहेड एक्सपेंस, नहीं ऐसा नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंस जो होना है वो होगा हर मंथ या हर बार, हर एक सर्टेन पीरियड में जितना प्रोडक्शन हुआ सारा ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम लोग प्रोडक्शन के हिसाब से क्या करते हैं, बांट देते हैं। बांटना पड़ता है हमें, है ना, हर प्रोडक्ट के हिसाब से। यहां पे पर प्रोडक्ट के लिए खर्चा फिक्स नहीं है, खर्च घटता बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लो कि मटेरियल में अगर आपको 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो मटेरियल का तो रेट फिक्स है ना। मान लो मटेरियल एक यूनिट मटेरियल 20 रुपए में मिलता है, कितना में मिलता है, 20 रुपया पर यूनिट। तो इसका मतलब 2000 यूनिट अगर प्रोडक्शन में लगता है तो डायरेक्ट 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। इसका मतलब हर एक यूनिट में 20 रुपया लगता है। तो इसका मतलब इस खर्च को बांटने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम ही है कि एक यूनिट भी आप बनाए तो 20 रुपया लगेगा, दो यूनिट बनाए तो, यूनिट नहीं बनाए तो जीरो खर्चा। ये खर्चा हमको पालना नहीं है, इस खर्चे को हमको
मेरा खर्चा ये इनकर्ड होगा ही नहीं अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, समझ गए? तो हर एक यूनिट का 20 रुपया, तो ये डायरेक्टली चार्जेबल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। लेकिन वो सारा एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है प्रोडक्शन में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रेंट, मान लो हम 2000 रुपया देते हैं रेंट, कितना देते हैं 2000 रुपया। अब जिस महीने में अगर आपने 2000 यूनिट बनाया, कितना यूनिट बनाया तो बताओ रेंट पर यूनिट कितना पड़ा? 1 रुपया रेंट पड़ा, पर यूनिट के पीछे कितना पड़ा? तो हमें बांटना पड़ा कि नहीं बांटना पड़ा? हमें पता था कि पर यूनिट रेट क्या आएगा? नहीं पता था। लेकिन अगर मान लो कि 2000 रुपया है, 2000 रुपया रेंट आया, रेंट तो हर महीना 2000 आना है, लेकिन अब इस बार प्रोडक्शन जो हुआ वो 500 यूनिट हुआ, कितना यूनिट हुआ? तो भैया पर यूनिट कितना पड़ गया? पर यूनिट 4 रुपया पड़ गया। तो रेंट पर यूनिट कितना पड़ा? 2000 डिवाइडेड बाय 500। तो अभी फट से रेंट क्या हो गया? पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो गया। तो इस बार हम लोगों ने प्रोडक्ट के साथ रेंट कितना कितना जोड़ा होगा? 4 रुपया का खर्चा जोड़ा होगा। इससे पहले वाले महीने में हमने प्रोडक्ट के साथ कितना रुपया जोड़ा था? 1-1 रुपया जोड़ा था। मतलब मेरा प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट होगा, रेंट का कितना जोड़ा गया? इसी को कहते हैं एट्रीब्यूशन, मतलब एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। मतलब ये सारा खर्चा एक बार हो गया, नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से हमें बांट देना है। जितना नंबर ऑफ यूनिट होगा हम लोग क्या करेंगे? उसे बांट देंगे। क्लियर है? समझ पाए तुम लोग? अब देखिए यहां पे ओवरहेड का डेफिनेशन, एनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो भी खर्चा होता है वो, डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो भी खर्च होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जी हां, ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो समझ में आया? तो जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल रिफर्स टू मटेरियल कॉस्ट विच कैनॉट बी एलोकेटेड टू एनी जॉब। किसी जॉब में डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो सकता है। एक बार खर्चा हो गया, जितना नंबर ऑफ यूनिट बना उसके हिसाब से हमने बांट दिया। यहां पे इस चैप्टर में हम लोग वही बांटने का काम करने वाले हैं। तो बांटना किस हिसाब से बांटना होगा? रूल्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मेथड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? एक रूल्स पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये बांटने का रूल है। अब मान लो कि ये फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर है हमारा, 3 रूम है, ये रूम, इसके बगल वाला रूम और वो रूम। कितना रूम है? 3। ये तीनों रूम क्या बराबर है? नहीं, ये तीनों रूम बराबर नहीं है। एक रूम जो है ना, एक रूम बड़ा है, एरिया बड़ा है, दूसरा रूम उससे बड़ा है और एक रूम छोटा वाला रूम है, ठीक है। अब मान लो कि हम ये पूरे जगह का रेंट जो है वो 10,000 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 10,000 रुपया रेंट देते हैं। अब मेरा 3 डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में कॉमर्स चलता है, ये कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है, ये साइंस वाला डिपार्टमेंट है और ये आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट है जहां ह्यूमैनिटीज का क्लास चलता है, ठीक है। तो कॉमर्स, साइंस और आर्ट 3 डिपार्टमेंट है। तो भैया हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालना है। मेरे अपने डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, साइंस वाले डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है और आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें देखना है कि नहीं देखना है। तो इसलिए हम लोगों को खर्च को बांटना जरूरी है। तो रेंट तो हो गया 10,000, लेकिन जो मेरा एरिया है वो 600 स्क्वायर फीट है ये वाला, 300 स्क्वायर फीट है ये वाला और 100 स्क्वायर फीट है आर्ट्स वाला। क्लियर है? तो 600, 300 और 100 कितना स्क्वायर फीट हो गया? 1000 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1000 स्क्वायर फीट का हम रेंट 10,000 देते हैं। तो भैया ये 10,000 रुपया हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? ये 10,000 रुपया बांटेंगे हम लोग 600:300:100। हम लोग किस हिसाब से बांटेंगे? एरिया पे। किस पे? एरिया पे। तो हम लोग रेशियो किसका निकालेंगे? रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया।
एरिया का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, एरिया के अकॉर्डिंगली हम लोग 10,000 को बांट देंगे। तो हाँ भैया, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया? कॉमर्स डिपार्टमेंट में खर्चा आया 6,000। साइंस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आया रेंट का? 3,000। आर्ट्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आया? 1,000। तो खर्च को हमने क्या किया? एलोकेट कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो हमारे पास भी एक प्रोडक्शन हाउस का भी, एक बिजनेस का भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकता है। कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट हो सकता है। सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां प्रोडक्शन का काम नहीं होता है, मशीन वगैरह नहीं होता है, वहां ऑफिशियल स्टाफ बैठे होते हैं, वहां प्लानिंग का काम चलता है, समझ गए? वहां अलग अलग रिसर्च चलता रहता है, समझ गए बात? तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो खर्च कौन सा किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए उसका एक रूल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किस हिसाब से मेरा कोई भी ओवरहेड एक्सपेंस बटेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो किस हिसाब से बटेगा? मोस्ट लॉजिकल वे में बटेगा। कैसे बटेगा? मोस्ट लॉजिकल। अगर आप लॉजिकल पर्सन है तो आपको रटने का जरूरत नहीं है, आप अपने आप आंसर बता पाओगे। जैसे आप क्या बोले कि सर रेंट जो है ना हम लोग एरिया के हिसाब से बांट लेंगे, लॉजिक है ना भाई? जो डिपार्टमेंट जितना बड़ा एरिया उस वो उतना ज्यादा रेंट एलोकेट होगा उसमें, उस डिपार्टमेंट में उतना ज्यादा रेंट। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 5,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, कितना रुपया आया? 5,000 रुपया बिल आ गया, समझ गए? अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो अब बताओ मेरा एरिया सबका दिया हुआ है, और दूसरा ये बात है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ये बड़ा वाला रूम है ना, इसमें हमने 10 लाइट लगा के रखा है। कितना लाइट लगा के रखा है इसमें? इसमें 10 लाइट लगा हुआ है। इस डिपार्टमेंट में ना, साइंस वाले डिपार्टमेंट में हमने 15 लाइट लगा के रखा है। जगह छोटा लेकिन हमने लाइट इसमें ज्यादा दिया, वहां एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह का भी काम चलता है इसलिए हमने लाइट ज्यादा दिया हुआ है। और आर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने एक लाइट लगाया, आर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने एक ही लाइट दिया है। भैया एक ही लाइट में पढ़ लो, आप लेक्चर सुनो अच्छे से, वही काफी है, बाकी अपना बनावटी लिख देना। आपको अपना बना के लिखना है ना, आर्ट्स में तो वही है कि आपके पास जो नॉलेज आया आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करते हो। तो आर्ट्स में हमने एक लाइट दिया वो उसके लिए काफी है, तो चलो ज्यादा ही कम हो गया, लेकिन इसमें हम 5 लाइट देंगे, ठीक है? आर्ट्स डिपार्टमेंट में आर्ट्स वाला गुस्सा हो जाएगा इसलिए हम लोग 5 लाइट देंगे, ठीक है? तो 10 लाइट, 15 लाइट, 5 लाइट, और एरिया है 600 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। अब आप लॉजिक लगाओगे, लॉजिक कैसे लगाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी आया कितना रुपया का? 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी आया। अब आप बोलो, आपके सामने दो इंफॉर्मेशन है, एक एरिया दिया हुआ और दूसरा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया हुआ। लाइट पॉइंट समझते हो ना, एक लाइट पॉइंट से कुछ पंखा भी चलता है और कुछ बत्ती भी चलता है। लाइट का पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट होता है, अलग अलग पॉइंट। आपके घर में इलेक्ट्रिक मिस्त्री आएगा ना, वो बोलेगा ना हर एक पॉइंट का हम 500 रुपया लेंगे फिटिंग का। तो एक पॉइंट जो होता है वहां से बहुत सारा लाइन आप दौड़ा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का लाइन नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से होता है। एक पॉइंट है तो जरूरी है एक स्विच रहेगा एक पॉइंट में? नहीं, एक पॉइंट में आप 5 स्विच भी दे सकते हो, तो नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से लेता है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है और एरिया है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 आया है तो आप किस तरीके से बांटोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या एरिया? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया काम नहीं आएगा, वहां नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। हमने इस डिपार्टमेंट में 10 लाइट पॉइंट लगाया, इसमें 15 लाइट पॉइंट लगा हुआ है ना, और इसमें कितना लगा हुआ? 5। तो 10:15:5 के रेशियो में हम लोग 5,000 को तकसीम कर देंगे, बांट देंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो मोस्ट लॉजिकल वे में हमें ओवरहेड एक्सपेंसेस को बांटना पड़ता है। क्लियर है?
अब कैसे बांटेंगे भैया जी? यहाँ बहुत तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप चाहो तो पढ़ लेना, ये ऑलरेडी आपको समझाया गया है पहले भी। अब आ जाते हैं काम, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बांटना है। कैसे बटेगा? आइटम ऑफ कॉस्ट दिया हुआ, रेंट, रेट्स या टैक्सेस है। क्या है रेंट रेट्स? किस किस हिसाब से बटेगा बोलो ना। हाँ देखो, ये किस में बटेगा? फ्लोर एरिया, एरिया फ्लोर का एरिया जो होगा उसमें आपका रेंट भी जाएगा, रेट्स भी जाएगा और टैक्सेस भी जाएगा। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी किसके हिसाब से जाएगा? अगर मान लो नंबर ऑफ लाइट पैन नहीं है तब फ्लोर एरिया पे जाएगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस किसका होगा? अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है, अगर ये नहीं है तब किस पे जाएगा? फ्लोर एरिया पे जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये खर्चा को इस रेशियो में बांट देना। पावर एंड मोटिव पावर, पावर मतलब समझते हो? पावर मतलब जिससे बड़ा बड़ा हेवी मशीनरी चलता है, हॉर्स पावर जिसको बोलता है, समझ गए? 440 लाइन, 880 टेंशन लाइन, हाई मतलब हाई टेंशन वाला लाइन जो होता है उससे हम लोग मशीन चला सकते हैं। ये 220 वाले लाइन से हम लोग मशीन नहीं चला सकते। हम लोग चला सकते हैं क्या? नहीं, मशीन चलेगा ही नहीं, इसमें दम नहीं है उतना, समझ गए? तो इसका मतलब जो पावर होता है वो किसमें बटेगा? हॉर्स पावर या फिर किलोवाट हॉर्स पावर या फिर हॉर्स पावर इंटू आवर्स वर्क। अगर आवर्स वर्क भी है, कितना देर मशीन काम किया, और हॉर्स पावर है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉम्पोजिट रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो निकालेंगे? अगर आवर्स वर्क नहीं है तो हम लोग हॉर्स पावर लेंगे या किलोवाट हॉर्स पावर लेंगे, समझ गए आप? और जब नंबर ऑफ वर्क वर्किंग दे देगा, जैसे मान लो कि हॉर्स पावर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हॉर्स पावर होगा, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, है ना? लोग बोलते हैं कितना घोड़ा का मशीन है, कितना घोड़ा का मोटर है आपका, तो अरे भाई मेरा 10 घोड़ा का मोटर है। मेरा मोटर कितना घोड़ा का है? 10 घोड़ा। 10 घोड़ा का मतलब 10 घोड़ों का ताकत। आप लोग के घर में जो पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप, तो मोटर से पानी चढ़ता है ना ऊपर टैंकिंग में, तो मोटर से ना पानी आप चढ़ाते हो, तो वो मोटर हॉर्स पावर का होता है ना? आपके घर में जो लगा होता है जनरली मोटर, वो 2 हॉर्स पावर का होता है, मतलब 2 घोड़ा का। आप जनरली लोग बोलते हैं 2 घोड़ा का मोटर है, 1.5 घोड़ा का मोटर है, 3 घोड़ा का मोटर है, मतलब 3 हॉर्स पावर का मोटर है, समझ गए? तो ये हॉर्स पावर है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में हॉर्स पावर तो लगा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट में काम करने का टाइमिंग अलग अलग है। डिपार्टमेंट वन में 8 घंटा काम होता है डेली, डिपार्टमेंट टू में 4 घंटा काम होता है, और डिपार्टमेंट थ्री में 2 घंटा काम होता है। अब आप बोलो हॉर्स पावर के हिसाब से जाओगे या जितना देर काम हो रहा है उसके हिसाब से जाओगे? दोनों ही गलत है। तब उस जगह पे क्या लेना होगा? कितना देर कितना हॉर्स पावर के हिसाब से हो रहा है। तो हॉर्स पावर और आवर्स वर्क दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्स वर्क, अगर मशीन का आवर्स वर्क है और हॉर्स पावर है, तो दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। रिपेयर का खर्चा, तो रिपेयर किसको करते हैं हम? एसेट को। तो एसेट जो भी रिपेयर का खर्चा हुआ है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह का एसेट होगा, उन एसेट्स का वैल्यू क्या है, उन वैल्यूज पे आप खर्च कर, उसके वैल्यू पे आप इस खर्च को बांट दोगे रिपेयर के खर्च को। डेप्रिसिएशन, ये भी वैल्यू ऑफ एसेट, जो डेप्रिशिएट होगा, फिक्स एसेट में डेप्रिशिएट होगा, तो जितना डेप्रिशिएट हुआ है आप वैल्यू ऑफ एसेट के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर दो। इंश्योरेंस ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट पे जाएगा। दूसरा, कभी कभी अगर स्टॉक भी दे देगा और फिक्स एसेट भी दे देगा, तो स्टॉक और फिक्स एसेट दोनों को ऐड कर लेना है, समझ गए? क्योंकि ज्यादातर इंश्योरेंस तो हम स्टॉक का ही लेते हैं ना। नेक्स्ट, सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर अपना वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाता है। एक सुपरवाइजर है, वो घूमेगा हर डिपार्टमेंट में, अरे काम ऐसे करो, अरे वैसे काम करो, एक ठीक नहीं हो रहा है काम, इसको ऐसे करो, नहीं है प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, वो अब देख रहा है, वो हर डिपार्टमेंट में घूम रहा है। लेकिन वो एक डिपार्टमेंट में ज्यादा वक्त देता है, एक डिपार्टमेंट में उतना वक्त नहीं देता है, और किसी डिपार्टमेंट में देते ही नहीं है, वक्त ही नहीं देता है।
तो जिस डिपार्टमेंट में जितना उसने टाइम डिवोट किया है उस रेशियो पे जाएगा। देखो टाइम डिवोटेड हो गया। अगर टाइम डिवोटेड सुपरवाइजर का नहीं है तो हर एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर कितना है, क्योंकि उतना नंबर ऑफ वर्कर के लिए वो सुपरवाइज कर रहा है उन वर्कर को। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, वन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन है, डिपार्टमेंट वन में 100 लेबर है, डिपार्टमेंट टू में 50 लेबर है और डिपार्टमेंट थ्री में 25 लेबर है। तो 100, 50 और 25 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, सुपरविजन का एक्सपेंस को बांट देंगे। नंबर ऑफ वर्कर भी नहीं है तब हम लोग डायरेक्ट वेजेस का सहारा लेंगे, क्योंकि वेजेस किसको मिलता है, वर्कर को इनडायरेक्टली। तो नंबर ऑफ वर्कर अगर ना हो तो हम लोग किसके हिसाब से बांट सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट सब अब भी आपको याद हो जाएगा, उसके बाद अभी हम लोग सम्स करेंगे ना, फटाफट सम्स होगा। अब देखो वेलफेयर एक्सपेंस, वेलफेयर किसका करते हैं हम लोग, वर्कर का। तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांट दो, अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस। कैंटीन का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर, क्योंकि तीन डिपार्टमेंट है, अब सब वर्कर जाके कैंटीन में ठूस रहे, खा रहा है वहां पर, खा रहा है ना, तो खाने का खर्चा जो भी होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चार्ज होगा, कैसे, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से। इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पे जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर पे जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्ट मटेरियल पे जाएगा और जनरल एक्सपेंस आमतौर पे मेंशन नहीं किया, जनरल एक्सपेंस तो किस पे लोगे, डायरेक्ट वेजेस। जनरल एक्सपेंस मतलब ऐसा आमतौर पर एक्सपेंस जो होता रहता है, जो स्पेसिफाइड एक्सपेंस नहीं है, तो आप उसको किसमें ले लोगे, डायरेक्ट वेजेस में लोगे। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना होगा, रखना है आपको, वो क्या है, देखो जैसे इन केस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओन एक्सपेंस लाइक, देखो हमने आपको बोला था डिपार्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक खर्चा होता है, अपना पर्टिकुलरली उसी का खर्चा होगा, वो खर्च और किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे। तो ओन एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा, इन केस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओन एक्सपेंस लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट मटेरियल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या जाएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जाएगा, हमेशा जाएगा, हमेशा जाना ही है, इसके खर्चे को जोड़ लेंगे हम यहां। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें नहीं डालोगे, नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, अरे भाई हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट, हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट खर्चा बांटना नहीं है। डायरेक्ट तो बटा हुआ, वो तो अपने डिपार्टमेंट का खर्चा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट, वहां सर्विस डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए वहां डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट जैसा ट्रीट होता है। जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन थोड़ी ना कर रहा है वो, तो उसका अपना डिपार्टमेंट का खर्चा उसको हम लोग इनडायरेक्टली ही ट्रीट करेंगे। रीजन समझ में आया, तो भूलोगे तो नहीं ये बात। तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो कभी भी नहीं आएगा। कंडीशन अप्लाई, इसमें एक कंडीशन अप्लाई है, क्या कंडीशन अप्लाई है, इफ कॉम्प्रीहेंसिव या कॉम्पोजिट मशीन आर रेडी टू बी फाइंड, कॉम्पोजिट मशीन आर, या इसको हम लोग कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर बोलते हैं। कॉम्पोजिट मतलब दो चीजों को मिलाना, तो जब बोलेगा दो चीजों को मिला दो, दो चीज यहां क्या हो गया, एक डायरेक्ट और एक, तब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस यहां लेंगे प्रोडक्शन में, यहां तो लेना ही है, सर्विस में तो लेना ही है, ये इसका बात छोड़ दो, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। कंडीशन अप्लाई है इसमें, क्या कंडीशन अप्लाई है, अगर आपको बोल दिया कॉम्पोजिट मशीन आर निकालो, तो कॉम्पोजिट मतलब दोनों को जोड़ देना, किसको किसको जोड़ देना, डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को, इन दोनों को हमें क्या करना है,
जोड़ देना है, तभी तो कॉम्पोजिट निकलेगा ना रेट, बात समझे। तब हमको डायरेक्ट एक्सपेंस यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेना होगा, अदरवाइज किसी भी कीमत पे डायरेक्ट एक्सपेंस आने वाला नहीं है। क्लियर है? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर स्टूडेंट का 80% स्टूडेंट का यहां गलती होता है। तो मशीन आर रेट कैसे निकालेंगे? जितना डिपार्टमेंट है सबका टोटल एक्सपेंस, टोटल ओवरहेड जोड़ेंगे, टोटल ओवरहेड जोड़ लेंगे। जितना टोटल ओवरहेड आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मशीन आर वर्क, कितना देर मशीन ने काम किया है उसे डिवाइड करो, पर आर रेट निकल गया, इसी को तो ओवरहेड रेट बोलते हैं। पर आर रेट जो निकालते हो इसी को क्या बोलते हैं? ओवरहेड रेट बोलते हैं। समझ गए? लेबर आर रेट टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर, लेबर आर से डिवाइड कर देना। क्या बोलो ना, ये चैप्टर तुमको टफ लग रहा है क्या? हाँ तुम ही बोलो, ऐसा ऐसा चैप्टर तुमको टफ लगेगा? ये बहुत सारा क्वेश्चन जो सीयू में आया था, वो 2022 में जो क्वेश्चन आया था, 2020 में, 2023 में, ये सब जो क्वेश्चन आया था ऑलरेडी यहाँ पे है। तो सीयू का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक इजी लेवल से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? एक इजी ये हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मूनलाइट इंजीनियरिंग, यहां से हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी है और आगे भी है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, वो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था थोड़ा सा। हाँ कहाँ गया वो यार, वो क्वेश्चन गया कहाँ, गया कहाँ? हाँ मिल गया वो क्वेश्चन, मिल गया। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। अरे भाई इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपके सीओ में, है ना? तो देख लो ये क्वेश्चन क्या क्या है। आपके स्टडी मटेरियल से होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखो यहां क्या क्वेश्चन बोला है। अब कंपनी है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, मतलब प्रोडक्शन जहां होता है वहां 3 डिपार्टमेंट है एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट, और सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, तो टोटल कितना डिपार्टमेंट हो गया 4। फॉलोइंग आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2001, साल 2001 साल गुजर गया, उसके बाद हमें टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिला। क्या मिला भाई? रेंट मिला 10,000, रिपेयर है, ये सब सालाना खर्च है। तो आपको बोला है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना गया? नहीं, नहीं बोला है। और जो पहले से एट्रिब्यूटेबल है, जैसे देखो ना यहां पे कुछ खर्चा जैसे वेजेस सब डिपार्टमेंट का दिया हुआ, मतलब क्या एट्रिब्यूट किया हुआ है, बांटा हुआ है, मतलब ये क्या है? तो डायरेक्ट है। ये क्या है? जो खर्च बटा हुआ है, जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एनी डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टली ऑलरेडी अलग अलग पहचाना जा सकता है, वो क्या हो गया? वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जिसको अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है या डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट खर्चा एक साथ है, बस हमको अलग अलग मोस्ट लॉजिकल रेशियो में हम लोगों को बांटना रहेगा, ठीक है?
तो बहुत सारा खर्च है यहाँ पे, देखो डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, फायर इंश्योरेंस है, पावर है, लाइट है, इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, ईएसआई बोलते हैं इसको। अब देखो आपके सामने क्या क्या है, आपके सामने जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है और डिपार्टमेंट डी है। यहां तक डिपार्टमेंट ए है, यहां तक डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है और ये डिपार्टमेंट डी है। क्लियर है, हमने अलग अलग करके आपको बता दिया, थोड़ा यहां पे स्क्रीन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, आपके स्टडी मटेरियल में ठीक हो गए, है ना। देखो तो हमारे पास क्या क्या है, एरिया, एरिया है, तीनों चारों डिपार्टमेंट का एरिया है, तो एरिया के हिसाब से जो भी खर्च को बांटना है वो लोग बांटेंगे। नंबर ऑफ इंप्लॉइज दिया हुआ है, हॉर्स पावर मशीन दिया हुआ है, टोटल वेजेस है, वैल्यू ऑफ मशीन है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, लाइट पॉइंट्स है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स भी गिवन है, और मशीन आवर्स कितना देर मशीन चला है। तो हॉर्स पावर भी है और कितना देर मशीन चला ये भी है, दोनों है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, कॉम्पोजिट रेशियो निकालना होगा। वेरी गुड, आप लोग को तो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, चार कॉलम करेंगे, चार के साथ साथ एक कॉलम हम लोग करेंगे टोटल का, ठीक है। इसके बाद एक और कॉलम करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे किस बेसिस पे बांटेंगे, किस बेसिस पे बटेगा। तो देखो यहां पे लिखेंगे आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, सीधा है क्या, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, ठीक है, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक, ठीक है, यहां पे देखो यहां लिखेंगे आइटम्स, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस, यहां पे लिखेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। फिर यहां पे हम लोग अमाउंट, यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है सर्विस डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या क्या है, ए, और सर्विस डिपार्टमेंट एक ही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी, और सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, डी। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब हम लोग लाइन से सारा खर्च को लिखेंगे, जो भी खर्च को हमें बांटना है, हमारे पास इतना सारा खर्च है ना, इतना सारा खर्च है, सबको हमें बांटना है,
तो आप ये देख लो, रेंट है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन, ये सबको लिखना है। तो देखो मेरे पास शॉर्टकट है, हम अप्लाई कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा। मेरे पास सुपरमैन वाला पावर है अभी, जिसका हम लोग सुपरमैन का पावर मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। आपको पूरा लिखना रहेगा, आप मेरी तरह शॉर्टकट में मत जाना, है ना। ये हमने यहां कर लिया है नोट, चलो हो गया। तो ये सारा खर्च तो हमने सारा खर्च को लिख दिया है ना, कितना जल्दी लिख दिया तुम ही बोलो ना, कितना जल्दी लिख पाओगे। देखो सुपरमैन का पावर, अब ये सारा खर्च हमें बांटना है, इन सब का अमाउंट क्या है ये आप लिखोगे, ये पूरा अपने अपने हाथों से लिखना, लिखोगे ना। हाँ, आप लोगों को लिखना है, ऐसे कॉपी पेस्ट, ऐसे शॉर्टकट में नहीं जाना है आपको, है ना। चलो ये सारा अमाउंट मैं यहां से उठाकर, ये कहां आ गया, मैं ये नहीं चाहिए मुझे, इस पेज में चाहिए। देखिए अब जो भी एक्सपेंसेस है, ये सारा एक्सपेंसेस मैं एक एक करके लाइन से लिखूंगा, देखिए सारा खर्च आ गया आपका, आया ना सारा खर्च। देखो रेंट आप लिख दिए, हम लोगों ने गलत जगह लिखा, देखो रेंट का कितना है भैया 10,000, रिपेयर का सारा आप वैसे उतार देना। अब आपको बेसिस लगेगा, किस बुनियाद पे आप बांटना चाहते हो रेंट को, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, ए बी सी और डी डिपार्टमेंट में किस तरीके से बांटोगे, उसी का तो खेल है ना, यहाँ पे बांटने का ही खेल है। तो सबसे पहले हम लोग रेंट पे अगर आते हैं, देखो यहां यहां अभी इस पोर्शन को हम लोग देखेंगे, गौर से देखेंगे, रेंट है ना, रेंट रेंट का खर्चा है। अब आप बोलो ना कौन से बेसिस पे बांटे, एरिया पे बांटे, नंबर ऑफ इंप्लॉइज पे, किस पे बांटेंगे बोलो, एरिया पे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एरिया, बेसिस में क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया, एरिया पे बटेगा। तो एरिया का क्या रेशियो है, तो क्या रेशियो है एरिया का बोलो ना, अरे भाई बोलो तो सही, एरिया का क्या रेशियो पड़ेगा, देखो ना आप 1500, 1900, 500, सबसे 00 हटा दो, 15, 10, 9, 5, 15, 10, 9, 5 एरिया पे जाएगा। तो 15, 25, 25, 5, 30, 9, 39 सही है, 20, 30, 39 है ना। देखो रेंट का टोटल खर्च है 10,000 और एरिया जो है ना वो 1500, 1900, 500 है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, रेंट एरिया के हिसाब से जाएगा। तो बांटो सब लोग, रेशियो में बांटना आता है आप सबको। सबसे पहले 10,000 को आप 10,000 कैलकुलेटर में टाइप कर लेना, फिर डिवाइड करना सम ऑफ रेशियो, सबको जोड़ के डिवाइड करना, ये सबको जोड़ोगे तो 39 आएगा। डिवाइड करके आप इक्वल टू दबाना, इक्वल्स टू पे जो भी आपको दिखेगा, मान लो कितना दिख रहा है आपको, 10,000 डिवाइडेड बाय 39 करोगे तो कितना दिखेगा आपको कैलकुलेटर में, 256.41, ये आपको लगभग कैलकुलेटर में दिखेगा, बस उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक बार इंटू दबाना है, कितना बार,
एक बार कुछ नहीं दबाना, देखो ये रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद आपको एक बार इनटू दबाना है और उसके बाद आप अपना अपना इंडिविजुअल रेशियो से मल्टीप्लाई करो, रेशियो से, रेशियो कितना है 15, 15 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 3846, पॉइंट मत बोलो, होल नंबर में बोलो, कर दिए। अब कुछ नहीं दबाना है, अब आपको सिर्फ रेशियो ही दबाना है। आपने अभी दबाया कितना, कितना प्रेस किया 15, अब आप कुछ नहीं करना है आपको, अब सिर्फ 10 दबा के इक्वल टू, मतलब रेशियो जो भी है रेशियो दबा के इक्वल टू दबाना है 2564, उसके बाद 23, उसके बाद 1282, क्लियर? समझ आया? अब उसी तरीके से रिपेयर टू मशीनरी, मशीन में रिपेयर हुआ तो कैसे पार्ट हो गए, देखो क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ेगा, हॉर्स पावर, वेजेस या वैल्यू ऑफ मशीन, खर्च किस चीज का है, कौन सा एसेट, रिपेयर टू मशीन है, मशीन के पीछे रिपेयर। अब यहां स्टॉक आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ रिपेयर रहता तब मशीन और स्टॉक दोनों को ऐड कर लेते हैं, तब रेशियो निकालते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरा, यहां डायरेक्टली बोल दिया, यहां जो रिपेयर किया गया वो मशीन को रिपेयर किया गया, रिपेयरिंग जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, मशीन रिपेयर हो रहा है, तो मशीन के वैल्यू पे हम लोग बांट देंगे। मशीन का वैल्यू क्या है, 240,000, 180,000, रेशियो निकाले होंगे तो 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 24, 4:3:2:1, तो आप यहां पे वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन क्या रेशियो आया 4:3:2:1। अब 6000 को आप क्या करोगे, 6000 को डिवाइड करना सम ऑफ रेशियो, 4 × 3 = 7, 3 = 10, उसके बाद इक्वल्स टू दबाना, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 600, एक बार इनटू दबाना है, उसके बाद इंडिविजुअल रेशियो से मल्टीप्लाई कर इक्वल्स टू दबाना है, रेशियो दबा के इक्वल्स टू, रेशियो दबा के इक्वल्स टू, तो आपका आएगा 600, और उसके बाद 600 × 4 = 2400, फिर 3 दबाओगे इक्वल्स टू दबाना, मतलब 3 दबा के इक्वल्स टू दबाना, समझ गए? तो कितना आया आपका, पहला आया आपका 2400, दूसरा आया 1800, फिर 1200, 600, क्लियर है? और फटाफट आप बोलते जाओ, अब बार बार नहीं, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा, 4:3:2:1, तो 10 से डिवाइड करोगे 450 × 4 = 1800, 3 = 1350, 2 = 900, 1 = 450, समझ गए? अब सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ इंप्लॉइज पे जाएगा, तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20, 15, 10, 15, तो 5 × 20, 5 × 15, 5 × 10, 5 × 15, मतलब 4:3:2:3, कितना आया 4:3:2:3, 4 × 3 = 7, 7 × 10 = 12, 12 से डिवाइड करना है, बोलो कितना आया, ये 5000, 3750, 3750 हो गया। अब फायर इंश्योरेंस, फायर लिया गया, फायर का इंश्योरेंस किस पे जाएगा, फायर इंश्योरेंस देख के बता दो, फायर इंश्योरेंस किसके ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, स्टॉक का रेशियो
स्टॉक का रेशियो देखो, 5:3:2 इसमें नहीं है, तो कितना आया? 500 पच्चीस सौ 1500 1000 यहां नहीं लगेगा, ठीक है। पावर किसमें जाएगा? हॉर्स पावर इंटू मशीन आर्स वर्क, कॉम्पोजिट रेशियो। तो आपको नोट में कॉम्पोजिट रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो फॉर पावर, क्या करना होगा? कॉम्पोजिट रेशियो ऑफ किसका किसका, एचपी एंड मशीन आर्स वर्क। अब देखो, सबसे पहले हॉर्स पावर तीन ही डिपार्टमेंट है। अब तुम ही बोलो ना, पावर का इस्तेमाल कहां होगा? सर्विस डिपार्टमेंट में ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? अब तुम देखो यहां पे, अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ना, क्वेश्चन की तरफ देखिए आप, मशीन आर देखो, मशीन किसमें किसमें है? ए बी और सी में, और हॉर्स पावर भी जो है ना, वहां ये कहां का है? ए बी और सी में। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, हॉर्स पावर कितना कितना है बोलो, हॉर्स पावर कितना कितना है? 80, 50, 20, तीनों डिपार्टमेंट ए बी और सी का है, इंटू आर्स वर्क, मशीन आर्स वर्क 4000, 5000, 3000। अब रेशियो निकाल लो। नहीं नहीं, इतना मत करो भाई, इतना मेहनत क्या करते हो? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 है ना। अब 32, 25, 6 ठीक है, 31 और 32, 63, सम ऑफ रेशियो 63 आया, ठीक है। चलो, तो रेशियो क्या आया यहां पे? 32:2, उस रेशियो में बांट दो, जल्दी जल्दी करो, लाइट जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे। फोर फाइव सेवन वन, दूसरा 3, 5, 7, 1, तीसरा 8, 5 हो गया। अब देखो, लाइट किसमें जाएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे जाएगा। लाइट पॉइंट 40, 30, 20, 10 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 40, 30, 20, 10 यही ना है। तो रेशियो होगा, डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं ना, 4:3:2:1 बांटो, 400, 300, 200, 100 ESI, ये भी किस पे जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय के ऊपर होता है ना, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉइज के ऊपर होता है। क्या है रेशियो? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4:3:2:1 बोलो, 7, 2, 9, 3, 12 कितना आया? 500, 375 फिर 250 उसके बाद, क्लियर?
सारा खर्च बांट चुके हैं आप, यहां सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इसका डायरेक्ट एक्सपेंस भी उसका इनडायरेक्ट होता है, तो वो भी तो बांटना होगा। यहां लिखना है वेजेस, क्या लिखना है? डायरेक्ट वेजेस। यहां लिखना है एक्चुअल, क्योंकि ऑलरेडी वेजेस बांट के दिया हुआ, एक्चुअली बांट के दिया हुआ, इसको बांटने का जरूरत, लेकिन क्या प्रोडक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। अभी आपको बता के कहते हैं ये डायरेक्ट खर्चा है, प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन सर्विस के लिए क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट उसमें जाएगा। तो डायरेक्ट वेजेस आपका सम्स में दिया था, देखो ना, अरे देखो तो, देखो प्लीज देखो ना, टोटल वेजेस कितना दिया हुआ, देखो दिया हुआ ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का कितना है 20,000, तो सर्विस डिपार्टमेंट का हम 20,000 रुपया यहाँ जोड़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं और उनका सम्स रॉन्ग हो जाता है, तो काइंडली आप लोग इस चीज को देख लीजिए, आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 20,000 हो गया। क्या डायरेक्ट मटेरियल वगैरह कुछ है? नहीं है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बोलिए ना, हम टोटल कर देंगे। यहां पे लिखेंगे टोटल ओवरहेड, कितना हो गया ये 16517। दूसरा कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को, सब एक ही कर रहे हो क्या, कोई डिपार्टमेंट डी करो, कोई सी करो, कोई बी करो। 15211 तीसरे का कितना है, ये गलत है, बोलो 21017 21017। और तीसरे का क्या है, सी का, हेलो बोलिए, तीसरे सी का क्या हो गया 9215 26557। समझ गए, ये हो गया टोटल ओवरहेड। अब इसका नाम दे दीजिए ए। यहां आपको सम्स में क्या बोला था निकालने, अपॉर्शन द अबव मेंशन कॉस्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना है। हम आपको एक स्टेप आगे सिखाते हैं, अगर आपको मशीन आर रेट या लेबर आर रेट बोला, तो यहां तो मशीन आर है, तो हम मशीन आर रेट निकालना बता रहे हैं आपको। मशीन आर्स वर्क कितना है, लिख दो कितना देर काम हुआ है। अरे मशीन कितना कितना देर काम किया है, 4,000 5,000 3,000 घंटा, कितना 4,000 5,000 3,000 घंटा, समझे। लेकिन सुनो, ये मशीन आर वर्क निकालने के लिए ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्च है ना, ये तीनों में पहले ऐड हो जाना चाहिए, ये बटता है और बांटने का रेशियो दे देगा सम्स में हमेशा, कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्च है दैट शुड बी अपॉर्शन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तब जाके मशीन आर रेट निकलेगा। तो हम शॉर्ट में सिर्फ बता दे रहे हैं मशीन आर रेट कैसे निकलेगा, ए डिवाइडेड बाय बी, लेकिन आप अभी निकालो मत, समझ गए। क्यों नहीं निकालोगे, क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्च है अभी ये बटा नहीं है, इसके खर्च को हम लोग पहले यहां बांटते हैं, तब जाके मशीन आर रेट हम लोग निकालते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सम समझ में आया होगा, आया है समझ में या फिर से समझाएं? ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि ये तो हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है, और आपको जो होमवर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क करना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को होमवर्क करना है, हो जाएगा? हाँ, अभी खुश मत हो, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क करना है, बजाओ ताली।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 आपको कितना करना है, आप बस टोटल ओवरहेड निकालना, आप इससे ज्यादा मत निकालना। क्या निकालना? टोटल ओवरहेड, बस उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 18 आप कर लोगे? हाँ। अब देखो एक और बात आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 19 भी, इसमें भी आपको टोटल ओवरहेड का कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कॉम्पोजिट मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करें घर पे मन लगाकर, तब तक के लिए गुड बाय।